सिर्फ जीवित लोगों के लिए मौत उदासी है, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है। नुकसान हमेशा उदासी देता है, चाहे वह छोटी चीज का हो या बड़ी चीज का। जब लोग कोई कीमती चीज खो देते हैं तब वे टूट जाते हैं। नुकसान चीजों का हो सकता है, ये लोगों का हो सकता है और तमाम चीजों का हो सकता है। तो मौत के बारे में ये उदासी सिर्फ जिंदा लोगों से जुड़ी रही है, पर खासकर इस संस्कृति में मृत्यु को हमेशा एक शानदार घटना की तरह दर्शाया गया है। सिर्फ आजकल ही भारतीय लोग पश्चिम की नकल कर रहे हैं और सिर झुकाकर चेहरे लटकाकर चल रहे हैं, वरना आज भी ये होता है। जब लोग मरते हैं तब हम सफेद कपड़े पहनते हैं, न कि काले कपड़े। उसके पीछे एक विज्ञान है। सबसे बढ़कर कई शानदार कहानियां हैं। एक कहानी इस प्रकार है। शिव हमेशा महाश्मशान में इंतजार करते रहते हैं। उसे उन्होंने अपना निवास बना लिया है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। और जब भी कोई मरता है तब वे नाच कर जश्न मनाते हैं। वे इतने अजीब क्यों हैं? मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया है और वे नाच कर जश्न मना रहे हैं। चलिए जीवन के बुनियादी पहलू को समझते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं वो अभी ज्यादातर लोगों के अनुभव में उनके द्वारा इकट्ठा किया गया शरीर है और एक खास मात्रा में विचार और भावनाएं हैं जो उन्होंने अपने आसपास से इकट्ठा की हैं। जो इंसान अपने जीवन की प्रकृति पर थोड़ा सा भी ध्यान देता है वो साफ तौर पर देख सकता है कि शरीर इकट्ठा किया हुआ है, मानसिक संरचना भी इकट्ठा की हुई चीज है। अब जीवन इन चीजों से परे है। तो जिसे आप जीवन कहते हैं वो है, जब आप बच्चे थे तब आपने साबुन के बुलबुले जरूर उड़ाए होंगे। जब आपने बुलबुला उड़ाया तब बुलबुला असली था, पर बुलबुले के अंदर बस चारों तरफ की हवा थी। जब बुलबुला फटा तब साबुन के पानी की एक बूंद फर्श पर गिरी, बाकी बुलबुले के अंदर मौजूद बाकी पूरी चीज कहाँ गई? उसे आप कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो कभी थी ही नहीं। वो हर चीज का सिर्फ एक हिस्सा थी। जीवन की प्रकृति भी यही है। ये पूरा ब्रह्मांड जीवंत जीवन का विशाल संग्रह है। आपने एक बुलबुला बनाया, जब बुलबुला फटा, और उनके लिए जो अगर किसी इंसान में दूसरे पहलू की समझ है या वह दूसरी तरफ का बोध रखता है, आइए चलिए जीवन और मृत्यु को ऐसे समझते हैं। आप दीवार के इस तरफ हैं और कोई दूसरा दीवार की दूसरी तरफ। जब बुलबुला फटा और जो हवा उसमें थी या वह जीवन जो उस बुलबुले में फंसा हुआ था वो मुक्त हो गया, और दूसरी तरफ जो हो रहा है वो भौतिकता के जाल में हो सकने वाली चीज से कहीं बड़ी घटना है। इसलिए वे हंस रहे हैं, गा रहे हैं और नाच रहे हैं, क्योंकि एक जीवन इस नश्वर फंदे से मुक्त हो गया है, जैसा कि इसे हमेशा बताया गया है।